नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट टू में। इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड हम दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कर रहे हैं 12 तारीख की, 12 12 ट्वेल्थ ऑफ सितंबर की। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पांचवें नंबर की जो न्यूज़ है, इसमें जाइडलस कैडिला जो है, इनको यूएस से अनुमति मिल गई है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको परमिशन दे दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। तो जो जो जेनेरिक एक तरीके का इंजेक्शन है, ये डॉक्सोरूबाइसिन हाइड्रोक्लोराइड लिपोसोम इंजेक्शन है। ये ट्रीटमेंट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए यूएस में किया जाता है, तो इनको अनुमति मिल गई है। ये कैडिला की बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह की ब्रेक थ्रू है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये याद रखिएगा। और दूसरा इसका नाम डॉक्सोरूबाइसिन हाइड्रोक्लोराइड लिपोसोम इंजेक्शन है, और ये सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स को क्योर करने में जो यूएस में है उसको उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि ब्रिटिश एयरवेज जो है, ये लंदन हैदराबाद फ्लाइट जो हैं, ये आज से ये शुरू कर देंगे, यानी सितंबर 12 से शुरू कर देंगे। तो ब्रिटिश एयरवेज ने अनाउंस किया है कि हैदराबाद से लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पर जाएंगे ये फ्लाइट्स, तो ये 12 सितंबर से रिज्यूम हो जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी जो हो रही थी इसमें टाइम बाउंड फ्लाइट्स थी, तो रनिंग आउटबाउंड फ्लाइट्स हैदराबाद से थी, तो बायलेटरल एयर बबल पैक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड द यूके के बीच में। तो एयर बबल पैक्ट किस कंट्री के साथ हुआ इंडिया का, तो राइट आंसर विल बी यूके। इसके बाद सैमसंग का फोल्डेबल गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 5G, ये कॉस्ट करेगा 1.5 लाख का, 1.5 लाख है इसकी कीमत। तो स्मार्टफोन मेकर सैमसंग ने एक तरह से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 5G का फ़ोन है ये, और 1,49,999 इसका पर यूनिट है, और सितंबर 14 से इसकी प्री बुकिंग हो गई है। अब एक तरफ ये कॉर्पोरेट, ये वाले इस तरह के कॉर्पोरेट इस तरह से काम करते हैं, यहाँ तो बेसिक डिमांड की प्रॉब्लम हो गई है। और हमारा जिस तरीके से देखा जाए, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, बट आई एम सीइंग कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जो डिस्पेरिटी ऑफ इनकम है, जो इनकम, ये कि आप अगर रॉबर्ट राइच को अगर आप पढ़ेंगे तो इनइक्वालिटी इन अमेरिका, उन्होंने जो किताब लिखी है बहुत मास्टरपीस है। तो इनइक्वालिटी इन इनकम जो है, ये इसको डिनोट करता है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए दिक्कत हो रही है सरकार को, और एक तरफ है ये कि 1.5 लाख का फोन है, पर सब कॉर्पोरेट इसी तरह से थ्राइव करता है। तो लेकिन इनइक्वालिटी इन अमेरिका ने जिस तरीके से वहां पर सारा का सारा पैराडाइम चेंज किया है, इनइक्वालिटी इन इनकम एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं वन ऑफ द मेजर एरियाज है जो पॉवर्टी को एड्रेस करने की तरफ, या पॉवर्टी बढ़ाता है, तो इसको एड्रेस किया जाना चाहिए डिफरेंट सरकारों द्वारा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो सीसीआई ने इसको नोट दे दिया है, कायल्स ग्रुप का 20% बाय करेगा पीरामल फार्मा के अंदर। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, इन्होंने इसको परमिशन अलाउ कर दिया कि 20% पीरामल फार्मा का ये ले सकते हैं। तो कायल्स ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो एक्विजिशन है, ये 20% है, ये अजय पीरामल लेट पीरामल फार्मा जो है, यूएस बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है ये आपका, सी ए आर एल वाई एल ई कायरल ग्रुप, ये यूएस बेस्ड फर्म है, इसको 20% कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ कर दिया है। तो इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो 9 नंबर की न्यूज़ है, उसको देखेंगे। ऑटो सेल्स हैं ये ग्रीन है आफ्टर 9 मंथ्स। तो इस सेक्टर में जैसे जीएसटी में बात कर रही थी कि 2 व्हीलर्स में उन्होंने 28% लगाया है, तो उसमें प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा था कि इस पर नितिन गडकरी जी, तीन तीन मिनिस्टर्स आए थे, इसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे, उन्होंने कहा था कि जीएसटी पे दरें कम होंगी, तो बट गवर्नमेंट ऐसे ही काम कर दिया। अगर लॉ के डिजिटल की बात हो तो कोई और आएंगे, रविशंकर प्रसाद जो है वो फाइनेंस के लिए आ जाएंगे, तो ऐसा होता रहता है। तो डोमेस्टिक जो होलसेल्स हैं, वैसे आप पैसेंजर व्हीकल्स का इंक्रीज किया है 14.16% से, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 2,15,916 यूनिट्स इनकी लास्ट मंथ थी। तो जिसको अकॉर्डिंग ये जो सोसाइटी फॉर इंडियन मोबाइल, इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सीएमई की बहुत इंपॉर्टेंट एक, मैंने इसमें पहले भी न्यूज़ में कवर की थी कि इन्होंने ये कहा था कि इंडियन जो चाइना से जो कंपनीज जो शिफ्ट होंगी या वहाँ से रिलोकेट होंगी, उनको इंडिया को तैयारी करनी चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। तो सीएम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूज़ में भी थी अभी। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज का। नमस्कार दोस्तों।